चाहे घर हो चाहे प्लैनेट्स हो, आप सभी की डिग्रीज को इसी तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है? ठीक है, गॉट इट सर। हॉरोस्कोप में सर ये निकल आती है डिग्री? मैडम सब हर क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो इस दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, उस सब में डिग्रीज आती है। सर नहीं, जो कैलकुलेशन है डिग्रीज का वो पूछ रही हूँ। अच्छा कैलकुलेशन कंपाउंड डिग्री कोई ऐसा नहीं है हर सॉफ्टवेयर निकाल के देगा, आपको खुद कंपाउंड डिग्री पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ओके ठीक है? अब आप लोगों को जब कंपाउंड डिग्री का ये पता चल गया है, तो हिट थ्योरी में आपका सबसे पहला काम क्या होता है? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू हैव टू टेक व्हाइल एनालाइजिंग अ चार्ट फॉर डूइंग एस्ट्रो वास्तु थ्रू एस्पेक्ट थ्योरी? अगर आपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करना है या एस्ट्रो वास्तु का एनालिसिस करना है, तो हिट थ्योरी में आप क्या स्टेप्स लेंगे? अब स्टेप्स आपको लिखवाता हूं। स्क्रीन नॉट विजिबल। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, वेरी फर्स्ट स्टेप, चेक चेक द सर सॉरी टू डिस्टर्ब, अभी भी नहीं आ रहा। हाँ आ गया सर। सबसे पहला काम आपने करना है कि जो प्लैनेट्स के बीच में जो बैड एस्पेक्ट्स हैं उनको निकालना है। चेक द बैड एस्पेक्ट्स बिटवीन द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट आपके बैड एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उन प्लैनेट्स को चेक करिए, ठीक है? दूसरा, चेक द बैड एस्पेक्ट बिटवीन प्लैनेट्स एंड द हाउसेस। तीसरा काम, यू हैव टू सी द हाउस लॉर्डशिप एंड नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट्स मेकिंग बैड एस्पेक्ट विद ईच अदर। आपको हाउस लॉर्डशिप और प्लैनेट की नेचुरल सिग्निफिकेशन देखनी है एस्पेक्ट में। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, ये तीसरे पॉइंट से। पहले दो पॉइंट तो सभी को समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल। हाँ जी हाँ जी, ठीक है भाई, मैं फिर भी बता देता हूं अगर आप में से कुछ होंगे तो जो नहीं समझे होंगे। देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है कि आप सबसे पहले उन प्लैनेट्स को छांट लीजिए अपने चार्ट में से,
जो एक दूसरे को 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तो एक दूसरे को नहीं मार सकते, बट जो एक दूसरे को 180 डिग्री मार रहे हैं, या कोई प्लैनेट किसी को 90 डिग्री मार रहा है, या 90 डिग्री की कोई प्लैनेट हिट खा रहा है, या 45 डिग्री की, तो सबसे पहले अपनी बैड हिट्स जो है उनको निकाल के एक तरफ कर लीजिए। ये आपका सबसे पहला काम। दूसरा काम ये करना है आपने कि आपने ये देखना है कि आपके कौन से पर्टिकुलर हाउस पर किस प्लैनेट की नेगेटिव हिट, स्पेशली 90 डिग्री या 180 डिग्री की हिट जो है वो जा रही है। अगर आपकी 90 या 180 डिग्री की हिट किसी प्लैनेट की किसी हाउस पर जा रही है, तो ये उस हाउस के लिए खराबी क्रिएट करेगी। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पॉइंट के द्वारा आप प्रिडिक्शन भी करेंगे और आप एनालिसिस पूरा करके उसको रेक्टिफाई करेंगे एस्ट्रो वास्तु से या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडियल मेजर से। करना क्या, फॉर एग्जाम्पल समवन इज बॉर्न एज लियो असेंडेंट। कोई व्यक्ति है जो लियो असेंडेंट बना हुआ है, इन हिज चार्ट वीनस इज getting a negative aspect of 90 degree. अरे भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज। बड़ा डिस्टर्बिंग होता है बीच में इतना। अगर कोई व्यक्ति लियो एसेंडेंट है भाई, अगर किसी की आवाज बीच में बार बार आएगी ना, मैं उस आदमी को ब्लॉक कर दूंगा लिटरली। सभी का नुकसान होता है। अगर कोई व्यक्ति लियो एसेंडेंट में पैदा हुआ है, उसके चार्ट पर वीनस जो है, वीनस पर नेगेटिव हिट पड़ रही है 90 डिग्री की थ्रू मार्स, अब कोई भी प्लैनेट जो है वो दो तरीके से काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये किसी भी प्लैनेट का, और ये हर एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, चाहे केपी हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे पराशरी हो। किसी भी प्लैनेट के दो रूप होते हैं। अगर हम वीनस की नेचुरल सिग्निफिकेशन की बात करें, तो हर किसी के चार्ट में, इस दुनिया का हर व्यक्ति जिसके चार्ट में वीनस प्लैनेट मौजूद है, ये नेचुरली सबके चार्ट में क्या चीज दिखाता है, अरे भाई कारक बताइए ना, किस चीज का कारक है? रिलेशनशिप एंड वाइफ, मैरिज। वही मतलब, रिलेशनशिप का मतलब ही यहां पर वही चीज आ गई। ये तो हो गया इसका नेचुरल कारक तक, यानी कि इसका जो प्राकृतिक जो रूप है वो रिलेशनशिप है और वाइफ। मार्स जो है, मार्स किसकी, किन चीजों का कारक है? एक तो ब्रदर का,
एंगर एंगर फाइट ब्रदर तो मार्स हिट कर रहा है 90 डिग्री का वीनस को क्या कहना चाहेंगे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है फाइटिंग है रिलेशनशिप में फाइटिंग है वाइफ के साथ प्रॉब्लम है वाइफ के साथ एंगर प्रॉब्लम है या तो हमारी लड़ाइयां हो रही हैं या वाइफ का जो एटीट्यूड है वो बहुत एंगर से भरा हुआ लेकिन क्योंकि क्योंकि यहां पर वीनस को मंगल का सपोर्ट ना मिलके मंगल का ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है 90 डिग्री का तो वीनस के अंदर मंगल की नेगेटिविटी चली गई अगर यहीं पर ये 90 डिग्री का एस्पेक्ट ना होके वीनस पे मंगल का 120 डिग्री का एस्पेक्ट होता आप क्या कहते तो रिलेशनशिप अच्छी होती सर रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही एनर्जी होती एनर्जी बहुत एक्टिव रिलेशन होता एक्टिव रिलेशन और वाइफ जो है वो बहुत एक्टिव होती बहुत एनर्जेटिक होती बहुत बोल्ड होती और बिल्कुल और वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक बहुत अच्छी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कह लीजिए और वाइफ हो सकता है अपनी एज से कम दिखाई देती मार्स इज द प्लैनेट ऑफ यूथफुलनेस आल्सो मार्स इज द प्लैनेट ऑफ यूथफुलनेस सो यू विल ऑब्जर्व आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिन लोगों का मार्स 10th हाउस में हो क्योंकि मार्स यहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है इट्स अ फिनोमिना इन वैदिक या मंगल लगन में हो या मंगल सातवें घर में हो तो पहले घर में मंगल सातवें घर में मंगल दसवें घर में मंगल हो तो ये लगन से कहीं ना कहीं रिलेशन बनाता है तो आप व्यक्ति की एज को जो है वो जज नहीं कर सकते वो अपनी उम्र से छोटा लगेगा चेक कर लीजिएगा इसको इसलिए यहां पर वीनस को हिट पड़ रही थी मार्स की लेकिन अगर वीनस पर मार्स की हिट पड़ती तो ये तो नेचुरली सबके लिए एक जैसी बात होगी कि जिसका भी वीनस मार्स से हिट खाएगा कहीं ना कहीं उसके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी बट अब बात आ गई है एसेंडेंट की अब बात आ गई है एसेंडेंट की तो लियो एसेंडेंट के अंदर वीनस कौन कौन से हाउस को रूल करता है थर्ड एंड टेंथ तो वीनस रूल थर्ड एंड टेंथ हाउस मार्स रूल्स कौन कौन से फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस हाँ मैं कर लो नहीं कुन्ने अगर थर्ड हाउस को अगर थर्ड हाउस को नाइन्थ हाउस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ये क्या चीज दिखाती ये 180 डिग्री पर सर हिट लगेगी ने? नहीं 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 180 पे क्यों लगेगी नहीं नहीं सर सॉरी सॉरी अब ट्रैवलिंग कौन सा हाउस है थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस थर्ड हाउस ट्रैवलिंग है थर्ड हाउस फादर कौन सा हाउस क्या पूछना चाहिए हमें सामने वाले व्यक्ति से इसको देखकर कि वीनस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मार्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वीनस को तो क्या बोलेंगे थर्ड हाउस is getting obstructed by ninth house. Sir, ये part समझी नहीं मैं. Third house and tenth house. Venus Mars को hit मार रहा है ये समझे? हाँ जी. Venus कौन कौन से house का lord होता है Leo ascendant में ये समझे? जी.
मार्स कौन कौन से हाउस का लॉर्ड होता है ये क्लियर है जी। तो जब वीनस को मार्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हमें ये पता चल गया कि वीनस जो है वो मार्स के द्वारा दिक्कत में आ रहा है, क्योंकि मार्स उसको 90 डिग्री पर हिट कर रहा है। बिकॉज ऑफ इट्स प्लेसमेंट या बिकॉज ऑफ इट्स लॉर्डशिप? लॉर्डशिप। लॉर्डशिप। अरे भाई, अगर आप हिट हो रहे हो, सपोज करो आप परेशानी में आ रहे हो जी, तो आपका घर का एनवायरनमेंट परेशान होगा नहीं होगा? आपका घर का एनवायरनमेंट भी पथल पथल हो जाएगा। होगा, हाँ जी हाँ जी, होगा होगा। सेम वे मार्स जो है वो हिट कर रहा है वीनस को, तो वीनस के पास लॉर्डशिप किन किन हाउसेस की है? थर्ड एंड टेंथ। तो ये क्लियर हो गया कि थर्ड हाउस और टेंथ हाउस जो है वो दिक्कत में आ जाएंगे। ओके, क्लियर। सर, दैट मींस फादर विल रेस्ट्रिक्ट द ट्रैवलिंग एंड बिजनेस आई थिंक। एक्सीलेंट। ये व्यक्ति जब भी ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, पिताजी कहेंगे ओए कहाँ निकल रहा है भाई, इधर आ। और यहां तो 90 डिग्री की बात थी। अगर 180 डिग्री होते तो ट्रैवल की बात करते के साथ ही उसके हाथ पैर तोड़ देते। अब ये तो हो गई, चलो थर्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करने की नाइन्थ हाउस से बात। लेकिन थर्ड हाउस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। वीनस के पास एक और हाउस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी एक व्यक्ति की लाइफ, टेंथ हाउस। टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नाइन्थ हाउस। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने बचपन में कहा होगा पढ़ाई करने के बाद कि पापा मैं शेफ बनना चाहता हूं, होटल मैनेजमेंट करूंगा। किसी ने कहा होगा मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूं। किसी ने कहा होगा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। लेकिन आप सब लोगों का बैड लक है, मेरा भी, कि उस टाइम तक थ्री इडियट नहीं आई थी। तो टेंथ हाउस को अगर नाइन्थ हाउस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पापा मना कर देंगे ये लाइन में। फादर हर काम में अड़चन लगाएंगे। हर काम में नहीं, आप जो भी करियर के लिए अपने करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उसमें पिताजी अरे यार ये भी कोई लाइन है। हाँ सर, ये भी कोई चीज है। और यहाँ सिर्फ सिर्फ नाइन्थ हाउस से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही, मार्स के पास दूसरा और कौन सा हाउस? कमाल की बात। देखिए, दो ऐसे लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी की भी लाइफ में, मदर फादर, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके करियर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लाने का काम मदर एंड फादर ही करेंगे। समझ में आई बात? फिर आप लोगों के ही एक दो के चार्ट लूंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आएगी। आप में से कितने लोग हैं जिसमें एक दूसरे के प्लैनेट जो है वो 90 का 180 के अच्छे खासे हिट बना रहे हैं? किसके चार्ट में? मेरी बेटी के में बना रहे हैं सर। मैंने भी बना लिए सर। बना है सर, मैंने भी 180 डिग्री का आ रहा है। 180 डिग्री का आ रहा है विश्वेश तुम्हारे में? हाँ ठीक है। सर ये वाला जो रूल बताया आपने, हाँ जी सर, ये बिल्कुल मेरी लाइफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता। जब भी मैं ट्रैवलिंग करने जाता था, मेरे फादर रोकते नहीं थे, वो बीमार हो जाते थे, फिर मुझे वापस आना पड़ता था। बात तो एक ही हुई। हाँ, मतलब वापस आना पड़ता था, मतलब बात वही हो गई। बिल्कुल। अब देखो, व्यक्ति व्यक्ति पूरी लाइफ ना प्रिडिक्शन को लेके जूझता रहता है। आज की डेट में 90% लोग जो कहीं पर भी पढ़ रहे होते हैं
वो इस चीज को लेकर बड़े उत्सुक रहते हैं और उनकी बड़ी कामना होती है कि यार हमें कोई ऐसी चीज मिले जिससे हम बहुत स्टनिंग प्रेडिक्शन मारें, मतलब ऐसी चीज बताएं सामने वाले को कि सामने वाला कहे यार ये कैसे बता दिया। अब आपने ये चीज देखी, अपने चार्ट पे मैच करी, अगर मेरे सामने चार्ट होता तो मैं भी यही कहता यार जब भी तुम कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्या तुम्हारी या पापा की? तुम कहते यार ये क्या बात हुई, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। और जबकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फर्दर कंसेप्ट नहीं है, सिंपल एक लॉर्डशिप है, उस लॉर्डशिप को दूसरे प्लैनेट ने कोई दिक्कत की है और सिर्फ इस वजह से वो प्रॉब्लम आई। बट सर ये 9th to 10th पे जो एस्पेक्ट जा रहा है ये कितने डिग्री का जा रहा है सर? 9th to 10th पे जो जा रहा है मतलब समझा नहीं, मतलब ये मार्च जो 9th हाउस का सब लॉर्ड होने के बाद 10th हाउस नहीं सब लॉर्ड नहीं सिंपल लॉर्डशिप सिंपल है हां सिंपल लॉर्डशिप हां सॉरी मतलब साइन लॉर्ड हां तो साइन लॉर्ड होने का मतलब 90 डिग्री का हिट बन रहा है मार्स का अर्वी लगता है। ओके सर, और उसमें वो लॉर्डशिप लिया है ऐसा है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लॉर्डशिप लिया है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये तो बहुत यूनिक बताया है, ये तो दिमाग नहीं आता सच्ची। बिल्कुल वेरी नाइस एक्सेलेंट आपने बताया, वेरी सिंपल एंड लेकिन फिर भी ये दिमाग में कभी आते सर मेरे कैरियर पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा के रखा उन्होंने। नॉट ओनली वीनस एंड मार्स, वीनस जिन घरों को रूल कर रहा है वो भी इफेक्ट हो रहा है और मार्स जिन घरों को रूल कर रहा है वो भी इफेक्ट हो रहा है। इज दिस गीतांजलि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज that two planets cannot hit each other at 90 degree. दो planet एक दूसरे को 90 degree का hit नहीं मार सकते। एक planet किसी को 90 degree का hit मार सकता है। Clear? Yes sir. Okay. Only and only if they are sitting 180 degree apart from each other, only then you can say that both of the planets are hitting each other. Okay, got it. So, मतलब समझो Venus Mars को 90 का hit मार रहा है या Mars Venus को 90 का hit मार रहा है? That's what you're saying. जी. Okay. प्रॉब्लम टू दी अदर हाउसेज ऑल्सो एग्जैक्टली ओके अगर क्या बोलते हैं वीनस का हिट मार्स को पड़ रहा होता तो वीनस थर्ड लॉर्ड है और वीनस टेंथ लॉर्ड है और सामने आ जाता फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज योर होम एनवायरनमेंट। वीनस इज रूलिंग थर्ड हाउस एंड टेंथ हाउस। थर्ड हाउस इज योर नेबर ऑल्सो। फोर्थ हाउस इज द होम वेयर यू आर रिजाइडिंग राइट नाउ। यू विल हैव प्रॉब्लम विद योर नेबर्स। विश्वेश चार्ट दो। यस सर। बोलिए चार्ट। 17th अप्रैल सर, रिक्वेस्ट अगर होरोसॉफ्ट पे लगा दीजिएगा तो। 17 अप्रैल 1980 टाइम 8:45 सुबह का। प्लेस सूरत गुजरात।
इस प्लैनेट को किस प्लैनेट की हिट पड़ रही है यहाँ पर? चंद्र की और वेनस, एक मिनट, चंद्र की हिट मंगल पे पड़ रही है सर, मार्स पे, मून की। चंद्र की हिट मार्स पे पड़ रही है, राहु पे और जुपिटर पे भी। जुपिटर पे भी पड़ रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल पड़ रही है। तो चंद्रमा इज हिटिंग मार्स, चंद्रमा इज हिटिंग राहु, चंद्रमा इज हिटिंग जुपिटर, और सर केतु भी हिट खा रहा है सर मार्स की, वो नहीं हाँ? नहीं हाँ, मून अभी केतु के पास कोई लॉर्डशिप नहीं होती। ओके सर, केतु का नेचुरल सिग्निफिकेशन लेंगे यहाँ पर। ओके, केतु इज स्टार्टर, केतु इज द इनिशिएटर, ध्यान रखना है चीज जो वर्ड बोल रहा हूं, केतु इज इनिशिएटर, जो चीजों को इनिशिएट करता है, यानी कि किसी भी चीज के की शुरुआत करना। आपने बोला ना स्टार्टर, स्टार्टर जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना चाबी लगा के, तो केतु का काम है। तो केतु पर इतने सारे प्लैनेट की हिट पड़ना क्या बताता है? शुरू नहीं हो पाई इस, किसी भी चीज को मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी, करियर को सर, बिजनेस नहीं किसी भी चीज को ये व्यक्ति शुरू करेगा तो शुरू में इसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सर टेंथ हाउस में केतु बैठे हैं तो सर करियर में नहीं आएगा? अरे वो ठीक है, वो करियर वो तो टेंथ में है तो ठीक है, लेकिन केतु आप समझ नहीं रहे, चंद्रमा किसी भी घर में बैठा हो है तो आपका माइंड ना, ऐसे ही केतु किसी भी घर में बैठा हो है तो आपकी शुरुआत ना। तो विश्वेश को कोई भी काम बोला जाता है तो उसकी खत्म करने की दिक्कत नहीं है, काम की दिक्कत तो उसके शुरू होने की है, वो बस शुरू तो हो किसी तरह, वो शुरू भी नहीं हो पाता है। इनिशियली बहुत हर्डल्स आते हैं सर, आते हैं। पहली चीज, दूसरा इसी रूल पे जाते हैं, जो मैंने आपको मार्स और वीनस का बताया था वही चीज आपको यहां पे बतानी। मून इज हिटिंग, मून इज हिटिंग मार्स, मून इज हिटिंग मार्स एट 90 degree। पहले नेचुरल सिग्निफिकेशन की बात करते हैं। यस सर, व्हाट इज द नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ मार्स? ये सर इधर एंगर, एंगर फाइट, ब्रदर, एनर्जी, एनर्जी। हाँ, ब्रदर की बात करते हैं पहले। मून हिट कर रहा है मार्स को 90 degree, बराबर। तो इफ दिस पर्सन विल हैव अ ब्रदर, हिज ब्रदर विल नॉट बी इमोशनली स्टेबल, यस सर। इमोशंस का कारक कौन है? मून। चंद्र। भाई का कारक कौन है? मार्स। मंगल। चंद्रमा ने मंगल को 90 degree की हिट मार दी। भाई तुम्हारा जो ब्रदर है ही इज नॉट अ इमोशनली स्टेबल पर्सन। यस सर। कभी तो इतना खुश हो जाएगा तुम्हें लगेगा कि वाह यार आज इसको क्या हो गया, कभी इतना मतलब दुखी हो जाएगा, मतलब एक एक जो एक बैलेंस स्टेट दिखती है वो कभी दिखाई नहीं देगी उसकी। यस सर, एग्री। ऐसा है? ऐसा ही सर। ठीक है, नेचुरल सिग्निफिकेशन समझ में आ गई जी सभी को?
और सर एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ, या मदर की वजह से सर उसको प्रॉब्लम रहेगी छोटे भाई को, वो तो डांट पड़कार डांट से पड़कार सर, ये भी है भाई और मदर को नहीं पढ़ रही है बीच में, भाई और मदर को, ये भी है, सही बोला, वो नहीं पढ़ती होगी ना, नहीं पढ़ते एग्जैक्टली सर, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 90 डिग्री की हिट कैसे लगी मुझे, 120 समझ में आ रहा है, 90 डिग्री है ना, अरे भाई सोहेल जी रुक जाओ, अभी कोई बीच में बोलना मत क्योंकि बाकी लोगों को समझ में आ गया, इनको क्लियर करना जरूरी है 90 क्यों पड़े। सोहेल जी चंद्रमा कौन सी राशि में है? सर टॉरस में। टॉरस से अगर 30 डिग्री इसको आगे चलाएंगे ये कौन सी राशि में पहुंच जाएगा? सर तब ये जेमिनी में आ जाएगा सर। और 30 चलाएंगे तो ये कहां आ जाएगा? सर फिर आ जाएगा कैंसर में 90 डिग्री में। और 30 अरे नहीं भाई फिर गलती, जब ये टॉरस से 30 डिग्री चला तो कहां आ गया? सर ये जेमिनी आ गया सर। जेमिनी में जब ये 30 डिग्री पे आ गया और 30 डिग्री ऐड कर दो फिर ये कहां आ गया? सर ये फिर कैंसर में आ गया। तो कैंसर तक कितनी डिग्री हुई टोटल? सर 60। और 30 डिग्री चले तो ये कहां आ गया? सर ये लियो में आ गया सर। अब कितने डिग्री हो गए? सर 90। अब समझ में आ गया क्यों हिट मार रहा है? यस सर क्लियर है सर। ये सर बाकी और प्लेनेट को नहीं मारेगा सर, मंगल को ही मारेगा। अरे भाई कंपाउंड डिग्री के हिसाब से ऑर्बिट के हिसाब से मंगल सीधा सीधा उसके ऑर्बिट में पड़ रहा है। ओके 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 सर, नाउ क्लियर सर। अब देखो बीच में क्वेश्चंस नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर इस पर ध्यान दिया तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ, आप लोग इसको बहुत छोटी चीज मान रहे होंगे लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी के रिलेशन को भी बदल सकते हो आप हिट थ्योरी से, बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हो आप इस, लेकिन वो बदलाव लाने से पहले आपको एटलीस्ट उस चीज की पकड़ का और उस चीज की डायग्नोसिस पता होनी चाहिए। अभी आपने एक बात और बोली थी कि मदर से भी उसको प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक कहा, मदर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको ऑब्स्ट्रक्शन डालती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि चाहे वो नोइंगली करे चाहे वो अननोइंगली हो, लेकिन इस व्यक्ति के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। चार्ट है विश्वेश का। कहानी हम किसकी बता रहे हैं? ब्रदर की। इसके ब्रदर की। कोई कस्पल सबलॉर्ड देखा है क्या? कोई नक्षत्र देखा है क्या? कोई सबलॉर्ड देखा है क्या? अरे सिंपल भाई, डिग्री टू डिग्री खेल चल रहा है, सिंपल। विश्वेश कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोल रहे थे कुछ ऐड करना है मैंने? नहीं, उन्होंने परफेक्ट बोला कि भाई और मदर के बीच में पड़ती नहीं है, वो सही बोला, ऐसा ही है। विच इज द प्लैनेट ऑफ अटेंशन, ध्यान? राहु। नाउ लुक एट द रिलेशन ऑफ मून एंड राहु। अटेंशन कंफ्यूज पर्सनैलिटी। ये आदमी जब भी ध्यान लगाएगा तो इसका माइंड इसको एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे ही ये आंख बंद करेगा चलो यार ध्यान लगाता हूं, ये लगा नहीं पाए, इसका माइंड इसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। बट जब भी ये सूर्य के सामने जाके खड़ा होगा, जब भी ये सनलाइट के अंदर ध्यान लगाएगा, तो क्या इसका ध्यान लगेगा या नहीं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसका लॉजिक सुनिएगा, मैं क्या बोलूंगा। बिल्कुल सर, 120 डिग्री पे आएगा और फादर से अच्छी बनेगी, सूर्य की 120 डिग्री लगेगी राहु पे। नौ 351 सन है और राहु 354 है।
विश्वेश सर अमेजिंग टेक्निक एकदम परफेक्ट बोला आपने सर सर ये जो फोर्थ हाउस है वो नाइट दिखाता है फोर्थ हाउस है वो नाइट दिखा रहा है मतलब नाइट और डे है वो टेंथ हाउस है यानी फोर्थ हाउस में आपने जैसे बताया कि सन के सामने अगर रहेगा नहीं 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 धर्मेश जी लुक एट द रिलेशन ऑफ सन एंड राहु कितने डिग्री का रिलेशन है सन और राहु का चार्ट में this is 120 who is the karaka of sunlight sun who is the karaka of dhyan Rahu so dhyan so will, is yes. getting a support of 120 degree through sunlight right sir ab ek aur Vishwesh shaadi ho gayi ha ho gayi hai sir तुम्हारी मदर तुम्हारी वाइफ को बहुत सपोर्ट करती है जी हाँ बड़ा अजीब सा प्रिडिक्शन है कैसे किया भाई अब आप लोग दिमाग लगे फोर्थ और सेवंथ सर चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हु इज द लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस Mars. Who is the lord of fourth house? Sun. Look at the relation between Sun and Mars. Great, sir. Very nice. यार क्या जान निकालोगे चार्ट की? बाप रे. सर सन का एक और भी ऐड करना चाहता हूँ बोलिए जब भी मैं बीमार रहता हूँ या फिर नेगेटिव फील करता हूँ तो मैं सनलाइट में जाता हूँ तो अचानक एनर्जी भी आ जाती है मेरे में मीन्स बीमारी भी कई बार तो दूर होगी अरे भाई तुम्हारे लिए सनलाइट तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया चीज है कि ये तुम्हारे मार्स को भी चार्ज करेगी ये तुम्हारे राहु को भी चार्ज करेगी ये तुम्हारे जुपिटर को भी चार्ज करेगी ये तुम्हारे सैटर्न को भी चार्ज करेगी यस सर सर सैटर्न को भी करेगी और सॉरी नहीं सैटर्न को नहीं करेगी सॉरी जुपिटर तक बढ़ मैं वो 27 डिग्री देखना भूल गया मैं अपने माइंड में वही लेके चल रहा था सर लुबस सर कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट अगेन कि उनकी मदर उनकी वाइफ को कैसे सपोर्ट कर रही है मैडम जस्ट एक सेकंड दो मिनट का समय दीजिए मेरे को हाँ बहुत अच्छा बेटा Who is the lord of seventh house? Mars. Wife का कौन सा house है? Seventh house. तो wife का lord कौन हो गया यहाँ पर? Mars. Who is the lord of fourth house? Sun. तो fourth house का lord भी sun हो गया? तो इस कुंडली में मदर को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्डशिप के हिसाब से कोई कोई नहीं बोलेगा यही नहीं समझी नहीं समझी सर मैडम मदर का हाउस कौन सा होता है फोर्थ हाउस तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है सन तो मदर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर सन ओके वाइफ का कौन सा हाउस है सेवेंथ रूलर कौन है मार्स तो वाइफ को कौन सिग्निफाई कर रहा है मार्स सन 120 डिग्री का सपोर्ट मार्स को दे रहा है तो क्या होगा हाँ नेचुरली फिर ठीक है गॉट इट सर ये तो सोच भी नहीं सकते थे हाँ विदाउट एनी कोई योग कुछ भी नहीं सिर्फ सिंपल मेथड एक्चुअली मैं चांदनी चौक था ठीक है और मेरे को पकड़ लिया मतलब वहीं पे रेड लाइट पे तो आ गया वो हेलमेट वगैरह था नहीं
तो मेरा क्या होता है, मेरा मोबाइल ही सब कुछ है, तो उसपे मैं मतलब जो ऐप है वो खोल के रखता हूँ जो एस्ट्रोसेज है। अच्छा। तो मैंने उसी टाइम की प्रश्न कुंडली लगाई, मैंने देखा कि मार्स और राहु जो है वो मरकरी को हिट मार रहे थे प्रश्न कुंडली के अंदर। तो खड़ा हुआ आके, वो कहता कि अच्छा दिखाओ, और मैंने मतलब खुद की मेरी ड्रेसिंग वगैरह भी ऐसी हो रखी थी कि मैं बहुत मतलब नॉर्मल सा बंदा लग रहा था, मतलब बिलो नॉर्मल लग रहा था, बाल बिखरे हुए, शर्ट निकली हुई। तो वो खड़ा हुआ, वो बात करने लगा। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, आपका जो मोबाइल टूटा था वो ठीक हो गया नहीं? तो कहता यार ये क्या हुआ, मतलब आप कौन है, आप कैसे जानते हैं मेरे को? मैंने कहा मैं कब जानता हूं आपको? तो प्रश्न कुंडली से मतलब ओवरऑल बात ये रही कि मेरे को ये हिट थ्योरी ने वहां से निकाल दिया, और निकाला तो सही, मतलब चलान भी नहीं कटा और बंदा एक क्लाइंट भी बन गया। तो क्या होता है कि ये जो हिट थ्योरी है, मैंने अपने जीवन में इससे क्लासिकल चीज नहीं देखी। बहुत बढ़िया। और वेस्टर्नर्स ने वास्तव में अगर काम किया है तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज दी है हिट थ्योरी के रूप। अब आपका हिट थ्योरी से आपको करना क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करते समय आपको कंसर्न्ड हाउस और कंसर्न्ड हाउस के लॉर्ड का पता होना चाहिए दिमाग में। परफेक्ट। जैसे ही आप कंसर्न्ड हाउस या कंसर्न्ड लॉर्ड पर किसी भी तरीके की कोई हिट देखते हैं तो आपको क्लियर इंडिकेशन ये मिल जाता है कि भाई ये जो काम में दिक्कत आ रही है ये आ क्यों रही है। आप लोग एक बात को समझ गए होंगे, जब फर्स्ट डे मैं आप लोगों से एक बात कह रहा था कि हिट थ्योरी इज द ओनली थ्योरी जिसमें बड़ी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स को आप मिनटों में भी सही कर सकते हो, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा कि नहीं यार हो सकता है, हो जाए। सच्चे, परफेक्ट। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है सर। लेकिन इसमें आप जिस तरह से ये सेवंथ हाउस और फोर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेशन निकाल के जो सिंक्रोनाइज जो किया ने, वो दिमाग में जो आना चाहिए वो इमीडिएट नहीं आता है। हाँ शैलेश जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको ये लगेगा कि मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझसे पहले ये सिंक्रोनाइजेशन किसी ने किया नहीं है। वो बराबर है, बात सही है। मतलब भी वैसे कर लिया होगा, वैसे सो लोग होंगे, सो के हजार एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आप नेट पे तो 1,000 के 10,000 एस्ट्रोलॉजर है, किसी ने नहीं किया हुआ ऐसे, नॉट अ सिंगल एस्ट्रोलॉजर। सर मैंने तो आज तक इतने सारे लोगों को मिला हूँ और कितनी वो दिखा, लेकिन ये इतनी सिंपल थियरी जो है जो आज आपने दिखाई वो कभी दिमाग में भी नहीं है, किसी से मैंने देखा भी नहीं है। वेरी फैंटास्टिक। हेलो सर, अब एक चीज ध्यान में देनी है आपको, हु इज द लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस हेयर? Saturn. Who is the lord of 12th house here? Mars. Who is the lord of 11th house here? Jupiter. अब एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। गेन कौन से हाउस ने कराने हैं? 11th का लॉर्ड कौन है यहां पर जो गेन दे रहा है? जुपिटर। इन्वेस्टमेंट कौन से हाउस ने करानी है? 12th, मार्स। मार्स।
इन दोनों प्लैनेट्स को 120 डिग्री का सपोर्ट कौन दे रहा है? सन 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 कौन सा लॉर्ड है? फोर्थ का, फोर्थ लॉर्ड। अगर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट से इसको 101% लाभ होगा, ये तय। कोई शक? बिल्कुल नहीं। मेरे को नहीं है। सर आपने जब ये एनालिसिस किया है तब तब उसके बाद तो ऐसा लगता है एकदम कंफर्म है, हम फिक्स हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि ये तो एकदम सही बात है। सर हम नहीं कर पाएंगे सर, बहुत डिफिकल्ट है ये सर, हम लोग नहीं कर पाएंगे सर। ये आप जिस तरह से जाते हैं ना इस डिरेक्शन में जाना, वहां तक मुश्किल है। हाँ समझ में सब कुछ आ जाता है लेकिन ये दिमाग में आना चाहिए। सर आप बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, वैसे हम अपने आप करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। चलो दूसरा चार्ट लगाते हैं। चलो एक बार पहले मैडम का चार्ट ले लेते हैं फिर सोहेल तुम्हारा ले लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर पढ़ने का एक सेकंड, इससे पहले विश्वेश। यस सर। पूरी जिंदगी के लिए एक टिप दे रहा हूँ। यस सर। जंगलों की सैर किया करो बहुत। ओके सर, श्योर। क्यों सर, ये भी बता दीजिए। सन रिप्रेजेंट फॉरेस्ट। अच्छा ओके, बराबर। सूर्य रिप्रेजेंट करता, सूर्य का जो प्लेस है ना, सूर्य का अबोर्ड जो है, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ओके। यहाँ पर तीन नहीं चार चार प्लैनेट, सॉरी तीन प्लेनेट जो है वो सूर्य के बिल्कुल वो कहते हैं उसमें आ रहे हैं 120 डिग्री के सपोर्ट में। ये व्यक्ति मान लो विश्वेश की वाइफ विश्वेश से रूट के चली जाती, तो वाइफ है सेवंथ हाउस मार्स और सन जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है 120 डिग्री का मार्स को। बराबर। इधर ये फॉरेस्ट में कदम रखेगा, उधर वाइफ का फोन आ जाएगा, मैं वापस आ रही हूँ। धूप में भी तो जाके बैठ सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल 100%, लेकिन धूप नहीं मैडम, जब सुबह जो सनलाइट होती है वो। अच्छा। बारहवें घर में जो सूर्य आता है वो तब आता है जब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं सनराइज हो चुका होता है। बारहवें घर में तब आता है सूर्य, ये सोलर लास्ट में सर। ठीक है, लास्ट में मतलब जो सन आता है लास्ट में, वो दोपहर में तो टेंथ हाउस में आ जाता है। अगर आप में से किसी का भी जन्म दोपहर 12:30 बजे का है तो आप लोगों के सूर्य 11वें घर में या 10वें घर में हो। तो इस तरीके से हम किसी को भी वो कर देते हैं, भैया कॉपर का यूज किया करो विश्वेश जितना हो सके। यस सर डेफिनेटली। पढ़ने का? हाँ जी पढ़ने का, पढ़ने का सर, पढ़ने का जी। देख बोलिए सर। 25th मार्च जी 1995 तो शाम को 7:23 सर आगरा।
देखो भाई चार्ट आप लोगों के सामने है बराबर सर। जुपिटर की मर्क्यूरी पर और वीनस और मर्क्यूरी, अरे मर्क्यूरी और सैटर्न, सिंपल और सिंपल एक ही प्लैनेट है जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जुपिटर। जुपिटर जुपिटर सर, लेकिन जुपिटर का 7th हाउस पे 120 डिग्री का हिट है। क्या सर? जुपिटर का 7th हाउस पर 120 डिग्री का है हिट। बहुत बढ़िया, टेस्ट बहुत सही आपने मतलब किया। 7th हाउस पे तो कर दिया लेकिन सर मरकरी और सैटर्न, सुनिए सुनिए सुनिए, जुपिटर जो है ये 7th हाउस को हिट करने के साथ साथ मरकरी और वीनस को, सॉरी मरकरी और सैटर्न को, मरकरी और सैटर्न को दोनों को हिट कर रहा है सर 90 डिग्री से। सैटर्न कौन से हाउस का लॉर्ड है? फिफ्थ हाउस का, अब सच ये बताना कि इस लड़की के साथ आपने पढ़ने को लेकर कितनी टोका टाकी करी? सर बहुत ज्यादा सर, शुरू से बहुत, मतलब मैंने, मतलब ये मेरी गलती है कि मैंने इसको, वो ही आपने वो बोला ना 3 इडियट्स पहले नहीं आई, तो सर उसको कुछ करना चाहती थी, कुछ कराया, बस पढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। और एक बात बताऊं, ये कड़वा सच है कि ये लड़की पूरी जिंदगी इस बात को कहेगी कि मेरी माँ ने मेरा करियर नहीं बनने दिया। सर वो कहती है, सर वो कहती है, वो मतलब वो मुझे मालूम है, वो कहती है और कहेगी आगे भी। सर इसके फादर ने भी नहीं से सर इसको मतलब इसके इसको जो ये एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, वो इसको मेडिकल कराना चाहते थे। अब आप लोग एक बात और सुनिएगा, जो जो भी बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रिडिक्शन पर मत जाइएगा। मैं सोच रहा हूँ सर कि वो कहाँ से निकल रही है, वो देखिए। हाँ, वही पता चला। और करियर के बारे में जो आप बोला, तो मेरे ख्याल से सैटर्न की जो गुरु की हिट सैटर्न पे जो लग रही है उसके हिसाब से आप शायद हो सकता है। सर गुरु की मंगल पे लग रही है, वो बुध पर। टेंथ लॉर्ड बुध है, करेक्ट। वो बुध पर, बुध पर फोर्थ लॉर्ड हिट मार रहा है जुपिटर। जुपिटर, यस यस करेक्ट। इसलिए बराबर। दूसरी बात, इन लोगों ने इनके घर के एनवायरमेंट की वजह से भी इसको पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि घर में ही थोड़ा इस तरीके का कि सारे ही लोग फैमिली में कि अरे नहीं ये नहीं करना है, चाहे कुछ भी कर ले ये पर्टिकुलर चीज नहीं करनी। सर हाँ ये बात, सर एक्चुअली मेरी फैमिली में सब बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, तो सर फैशन डिजाइनिंग को ये समझते हैं कि मतलब ये, क्योंकि बेटा भी मेरा आरके पुरम का पढ़ा हुआ है, 97% स्कॉलर है, तो सर उसको, बेटी को तो ये समझा जाता था कि ये कुछ कर ही नहीं सकती है। और सर भाभी की दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं सर, तो वो इसलिए थोड़ा सा इसको इस बात के लिए थोड़ा सा कहा जाता है कि तुम पढ़ी नहीं हो। सर ये समझा दीजिए कैसे आपने ये किया एक बार। मोनिका जी अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये मैंने कैसे किया, तो आप ये मैडम को समझाएंगे, गीतांजलि जी को बताइए। ये सर ने इसलिए बोला क्योंकि गुरु जो हैं वो फोर्थ हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड है, और हिट बुध पर मार रहा है 90 डिग्री का, और वो करियर को दिखा रहा है और उसको सेल्फ को दिखा रहा है, और जो सैटर्न पर भी मार रहा है, सैटर्न 5th हाउस में बैठा है और उसमें मून है, तो इसलिए मेरी वजह से धीरे धीरे सैटर्न, सर की तरह बोलना नहीं आता है, सैटर्न एक्चुअली जो जुपिटर है वो मरकरी और सैटर्न को 90 डिग्री से हिट मार रहा है, ठीक है, और जो जुपिटर है वो 4th हाउस घर हो गया उसका लॉर्ड है, और मरकरी 10th हाउस का लॉर्ड है और वो हो गया करियर, ओके, और जो सैटर्न है वो 5th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस में मून बैठा हुआ है, मून हो गई माँ, ओके, तो इसलिए मेरी वजह से उसके करियर में प्रॉब्लम आई।
ओके गॉट इट. और फोर्थ हाउस क्योंकि घर का है तो घर के एटमॉस्फेयर की वजह से भी उसके उसके करियर में प्रॉब्लम आई. और तो और ये लोग क्या बोलते थे अपनी लड़की को, ये बोलते थे कि जो प्रोफेशन तू चूज करने जा रही है बेटा, इस प्रोफेशन के बेसिस पर तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा. नहीं सर ये तो नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ अभी भी सर वो अपना ओन काम कर रही है बहुत अच्छे लेवल का फैशन डिजाइनिंग का, लेकिन फिर भी घर में उसको दर्जी है तू तो ये गलत है ना सर. हाँ सर अब मैं आपको पता बताऊं? है आपको पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे चार्ट की बहुत बढ़िया कुंडली की एस्टेसी फिर ली. अब सर एक चीज है जी जी सर, ये मून का इसमें रोल रहेगा सर, फिफ्थ हाउस में बैठा है वो मून का. आप जो भी समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो, बस इतना बोल दिया मैंने शॉर्ट. ओके सर बता दीजिए. नहीं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनको सिर्फ उनका एक डाउट क्लियर किया, वो जो पूछना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों है वो ठीक है. अभी मैं शैलेश जी ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, जितना समझ रहे हैं बढ़िया है, समझ रहे हो. ओके 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 सर. सर अब इसकी शादी के लिए हम लोग चाहते हैं कि शादी हो जाए, लड़का देख रहे हैं तो सर देखें लड़का. लड़का देखना चाहते हैं सर, मतलब कोशिश कर रहे हैं जुपिटर को. जुपिटर को कौन सा प्लेनेट जो है वो सपोर्ट कर रहा है कुंडली में? सर मार्स कर रहा है. मार्स कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? सर एर्थ का लॉर्ड है और थर्ड का लॉर्ड है. बिना शोर मचाए चुपचाप सीक्रेटली इसका एड, इसकी जो प्रोफाइल है वो नेट पे डलवा दीजिए और इसका एड निकलवा दीजिए चुपचाप बगैर शोर मचाए, आपको रिश्ता आ जाए. एक बार और बता दीजिए प्लीज. एड कौन सा हाउस है? मैडम थर्ड हाउस मार्केटिंग. सर सर हाँ थर्ड हाउस. सीक्रेट एक्टिविटीज का कौन सा हाउस है? चुपचाप चोरी छुप. तो थर्ड और एट्थ का लॉर्ड कौन है? सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर. वाह वाह क्या दिमाग. कैसा लगा शैलेश जी? अरे जोरदार. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. सर एड मतलब उसमें कहीं पर भी एड डलवा दूं ऐसे में इसका प्रोफाइल जो? अरे आप कल डलवा दो, कल डलवा दो. सर कल वो ही मैं पूछ रही सर कहाँ डलवा दूं. अरे यार ये इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे shaadi.com भारत मैट्रिमोनियल सब है, भारतीय मैट्रिमोनियल है. थोड़ा सा पैसा खर्च दो, आठवां घर है खर्च दो थोड़ा सा. हाँ हाँ ठीक है सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. हाँ बिना पूछे डाल दो बस बस. मगर मैप नहीं देखेंगे सर कि मैप में वो प्लैनेट आ रहे हैं कि नहीं? अरे जुपिटर एक्टिव है मैप में. मैप में एक्टिव, मैप में एक्टिव है. हाँ सर मैंने ऐसी थोड़ी ना बोल दिया. सर वैसे ओवर ओवर सर एक चीज और बताइए, जो मैंने सोचा था कि थोड़ा इसका हस्बैंड भी इसके ऊपर हावी रहेगा. फर्स्ट लॉर्ड है मरकरी. हाँ सर इसीलिए बोला, इसीलिए सोचा था मैं. सेवंथ लॉर्ड है जुपिटर. हाँ सर बिल्कुल रहेगा. और सर इसका हस्बैंड इसके करियर पर भी हावी रहेगा. सुनिए तो सही, आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा, इसको हावी कर देते हैं ना उसपे, क्यों चिंता कर रहे हो आप? नहीं सर हमारे हमारे यहाँ तो हस्बैंड ही हावी रहते. अभी आप एस्ट्रोलॉजर बने नहीं हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो बैकी बैकी. आप अगर आप जुपिटर को 60 डिग्री का या मैं कहता हूं 30 डिग्री का एस्पेक्ट भी मरकरी के साथ बनवा देते हैं तो कैसा रहे? सर एक बार और रिपीट करिएगा. कौन कौन से एस्पेक्ट है जो अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लेनेट को बताइए. एक
सर एक वीनस और मून का एस्पेक्ट बन रहा है बहुत अच्छा। मैडम मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि कौन कौन से एस्पेक्ट अच्छे होते हैं। सर 30, 120 हाँ और 60 और 120। अगर मैं जुपिटर को 60 डिग्री का एस्पेक्ट दिलवा दूं तो दी बेस्ट हो जाएगा सर। वीनस पे तो मर्करी पे सर वो तो बहुत तो अच्छा हो जाएगा। हस्बैंड ही इसको कहेगा अच्छा तूने बाहर नौकरी करनी है फॉरेन में चल मैं करवा दूं। सर मैंने बोला ये... आपको सुनिए अभी बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं जब कुछ आप लोगों को बता रहा होता हूं तो उस टाइम पे एक फ्लो होता है वो आप कुछ बीच में बोल देते हो टूट जाता है। सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर 60 डिग्री का एस्पेक्ट जुपिटर का बनवा देते हैं तो इसका हस्बैंड इसको करियर में भी सपोर्ट करेगा। ये कहेगी कि मेरा मन एंटरटेन करने का हो रहा है मुझे पिक्चर देखनी है वो पिक्चर भी दिखवाएगा। ये कह रही है कि मेरे को कसीनो खेलना है कसीनो खिलवाएगा। मैं इस बात को वैसे मत लेना जो मैं बता रहा हूं उसकी लॉजिक को समझना। और ये अगर कहती है कि मेरे को अपनी हेल्थ को लेकर जिमिंग करनी है या कुछ ऐसा करना है तो उसमें भी इसका सपोर्ट करेगा। लेकिन कब? जब जुपिटर को हम 60 डिग्री पर स्थापित कर देंगे मरकरी और सैटर्न के साथ। आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में पता है सभी लोगों को कि हमारे शरीर में बॉडी पार्ट्स होते हैं राशि वाइज। यस सर। नाइन्थ राशि जो है वो कौन सा बॉडी पार्ट? सर थाई। सुबह सुबह नहाकर अपने थाइज पर अगर ये येलो कलर डाल देती है या येलो कलर को अपने थाइस पे लगा लेती है तो ये जो कहेगी इसका हस्बैंड वो करेगा। सर हल्दी से तो नहा रही है। मैडम आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने कौन सा बॉडी पार्ट कहा? सर थाई। नहाना अलग चीज है थाई पर उसको लगाना अलग चीज है। आप तो इसके साथ बहुत गलत कर रहे हो अगर ये हल्दी से नहा रही है। सर नहीं निलवाऊ। अरे आप पूरे जुपिटर को स्ट्रेंथन कर रहे हो नलवा के। हाँ सर ठीक है। अरे अरे विश्वेश को तो ठीक है सनलाइट ने अच्छी चीज दे दी लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई भी सनलाइट में जाके खड़ा हो जाएगा तो उसका काम चल जाए। सर एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिए हाउ यू ब्रॉट इट टू 160 एस्पेक्ट। सर येलो कलर का टैटू बनवा दूं थाई पर? अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। सर ये जुपिटर अगर सेजिटेरियस में ले आते तब ये 60 डिग्री का ये बनेगा ना? 60 डिग्री का बन जाएगा ना? हाँ करेक्ट। वो अगर ये रेमेडी करते सेजिटेरियस में तो ये मर्क्यूरी और सैटर्न को मिलेगा। हाँ गीतांजलि जी मैं कैसे लेकर आया इसका बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। इनफैक्ट आप लोग खुद ले लेके आओगे जब कुंडली आप लोगों के सामने आएगी और आप करोगे भी। अभी सबसे पहले मैं तब तक रेमेडी पार्ट पर नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस बात में पूरी तरीके से सशक्त ना हो जाऊं कि आप लोगों को अच्छे से हिट को पढ़ना भी और हिट को एनालाइज करना समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल सर नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा। क्योंकि डायग्नोज आपने नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा एक फ्रेंड मेरे से पूछा मेरी वाइफ दर्द से करा रही है मतलब उसको बहुत दर्द हो रहा है तो क्या करूं। मैंने कहा एक काम कर यार नेवल पे ना उसको बोल के अपने नेवल पे ना थोड़ा मिल्क जो है वो लगा ले। उस बेवकूफ ने पता नहीं क्या समझा क्या नहीं वो नेवल के थोड़ा सा नीचे वो मिल्क लग गया है। वो बोलता है यार तूने क्या किया वो जब से वो मिल्क लगा वो चीखे मार रही है बुरी तरीके। तो ये जो रेमेडी है हिट की ये काम तो बहुत अच्छा करती है और बहुत तेजी से करती है बट यू हैव टू डायग्नोज इट प्रॉपरली। नहीं तो जो तो नहीं आ रहा है सर। नहीं तो बात जो मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट का काम हो जाएगा। रिक्वेस्ट है दूसरी बात। हाँ बोलिए।
से बॉडी पार्ट्स वाला अगर आपके पास नोट्स हो तो, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो पहले दिन जो चार्ट दिया था ना, आपके पास पूरा अवेलेबल है, आप लोग देखिए। दिया था पहले दिन ये मेडिकल वाले में है सर, ये बता दीजिए। मेडिकल वाले में है। हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है पूरा बॉडी पार्ट में, एक एक पार्ट है बॉडी का। सर अब ये समझा दीजिए ना सर, ये कैसे हुआ? गीतांजलि जी, करियर का कौन सा हाउस होता है? टेंथ हाउस। टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है कुंडली में? देखो भाई, जिसको समझ में आ गया है वो प्लीज ना बोले, जिसको समझ में नहीं आया वो बीच में क्वेश्चन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर आदमी सीख जाए। टेंथ लॉर्ड मर्करी, क्लियर गीतांजलि जी? जी 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 सर, ठीक है। सेवंथ लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हस्बैंड का कारक ग्रह कौन है कुंडली में यहाँ पर? जुपिटर। हाँ। और करियर को कौन सा प्लैनेट शो कर रहा है इस कुंडली में असेंडेंट वाइज? मरकरी। जुपिटर मरकरी के साथ कितने डिग्री का रिलेशन बना रहा है ये बताइए? नाइन्टी का। हाँ। तो करियर के लिए बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? जुपिटर। कहाँ कहाँ का लॉर्ड है जुपिटर? सेवेंथ और फोर्थ और सेवेंथ का लॉर्ड है। मदर का हाउस कौन सा है? फोर्थ। हस्बैंड का हाउस कौन सा है? सेवेंथ। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज वो फोर्थ और सेवेंथ का लॉर्ड हो गया, मदर ने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया और हस्बैंड भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 100%। ओके, 100%। उसके बाद आपने उसको क्या बोला कि नाइन्थ राशि? अभी, अभी 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 उसी पे, उस पे नहीं जाएंगे। वो क्या बोला उस पे नहीं, वो तो ठीक है, इनकी लड़की का चार्ट लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा ये है कि भाई इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए इसलिए बोल दिया। अभी अभी रेमेडी पे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, वो रेमेडी पे नहीं, बट आपने सबने बोल रहे थे कि नाइन्थ में आने से 120 का एस्पेक्ट आ जाएगा, तो ये थोड़ा 120 का नहीं आएगा, 60 डिग्री का आएगा। हाँ, 60। कैसे आपने मूव किया? 21 डिग्रीज पे जुपिटर है तो आपने नाइन्थ राशि में मूव किया, फोर्थ हाउस में मूव किया जी। कैसे? बस उठाया उसको वहां से रख दिया फोर्थ में। नहीं, दैट इज द रेमेडी पार्ट, बट यू आर सेइंग कि इफ यू ब्रिंग जुपिटर टू द फोर्थ हाउस इट विल गिव एन एस्पेक्ट ऑफ 60 डिग्रीज। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न एंड दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग यू नेक्स्ट। अगर जुपिटर नाइन्थ हाउस में पड़ा होता तो मरकरी के साथ कितने डिग्री का रिलेशन बना रहा होता? सिंपली इतना जवाब दीजिए। अगर जुपिटर नाइन्थ साइन में होता, नाइन्थ साइन में। ओके, वन मिनट में कैलकुलेट कर लूं सर। अरे भाई, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गीतांजलि जी, आप जुपिटर को 21 डिग्री का नाइन्थ साइन में मान लीजिए और 22 डिग्री का मरकरी सिक्स्थ हाउस में पड़ा हुआ है तो ओके, दिस इज एट 90, सो इफ वी ब्रिंग इट हियर एट टू नाइन्थ राशि इट विल बिकम 60। गॉट इट? बस इतनी तो बात कही है मैंने। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है सर, थोड़ा उसमें ना दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, तो थोड़ा स्लो बोलिए तो वी कैन कैच इट देन मे बी। भाई देखो, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंड होता है तो मैं एक बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि आप में से 3-4 लोग ऐसे हैं, विश्वेश हो गया, शैलेश जी भी हो गए, राजेश जी भी हैं, मुझे फील होता है लोबस भी है, अब फिलहाल तो मोनिका जी भी समझ गई हैं इसको अच्छे से। तो आप में से जो कोई भी इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर गया है वो गीतांजलि जी को क्लियर करवा दे मेरी तरफ से, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा उस व्यक्ति का।
कौन करवाएगा? क्लियर हो गया है ना सर, अभी तो उनका भी क्लियर हो गया है। नहीं नहीं क्लियर हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा और मतलब हो जाए तो जी हाँ सर, अभी क्लियर करना है या गीताजली आप कनेक्ट भी कर सकते रूप में क्लियर कर देंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, मैं ये वीडियो बार बार कल देखूंगी दोबारा, तो आई थिंक मैं फिर उसके बाद में आई विल बी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ दिस थिंग, बिकॉज अभी तक आई एम नॉट एबल टू गेट अ हैंग ऑफ दिस थिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। आप आंसर तो ठीक दे रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप आंसर भी ठीक। नो मैं ये कह रही हूँ आप सिर्फ यू जस्ट गो लिटिल स्लोली व्हाइल यू आर सेइंग इट, सो मैं साथ के साथ ही पकड़ लूंगी, बिकॉज आप फास्ट फास्ट जा रहे हो तो मैं एकदम से नहीं पकड़ पा रही हूँ, देन व्हेन यू आर रिपीटिंग मैं रिपीट में मैं समझ रही हूँ सारी बात। अच्छा ओके, इसमें वही बताना था कि जुपिटर को वर्चुअली बिठाना है सर हमने, दैट्स ऑल, वी आर नॉट शिफ्टिंग। बस 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 दिस इज हिट थ्योरी इज व्हाट हिट थ्योरी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वर्चुअल friendly aspect between the planets and houses, clear? बिल्कुल। Yes sir. सर ये जो आपकी हिट थ्योरी है ये सर मेरे को ऐसा लगता है कि अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे सर, मैंने ये तीन पत्रियों पे करी है, अभी मैं बाहर चली गई थी तो सर ये मैं गीतांजलि जी से कहना चाहूंगी कि सर ये आप खुद मैंने तो लिखा है सर एक एक, तो आप एक निकालेंगे लिखेंगे तब बहुत अच्छी किसी के बताने से नहीं। नहीं नहीं वो क्या है, वो क्या कह रही हैं, मैं उनका कंसर्न समझ गया, वो उनका कहना है कि मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ तो उनके अकॉर्डिंग, तो इसलिए थोड़ा वो हो रहा है जब मैं उनके। नहीं सर वो लोग 3-4 पीपल है ना फटाफट आंसर कर रहे हैं, सो देन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर आप ही बोले और यू ओनली स्पीक देन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके ओके नॉट एन इश्यू। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं भी बीच बीच में सबके वो इसलिए लेता हूँ क्योंकि बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो के भाई कितने लोगों के दिमाग में वो चीज जा रही है, क्योंकि मैं भी छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो अब क्या है कि आप लोगों को सभी को अभी तक समझ में आ गई है सारी चीज? हाँ जी जी ठीक है। भाई देखो अगर इस थ्योरी को लेकर कोई चीज दिमाग से हट जाए, इस थ्योरी के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहो, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, आ जाना, जितना समय हो ले लेना, लेकिन इस थ्योरी पर काम जरूर करना क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत की और इससे रिजल्ट्स बहुत लिए। तो अगर मेरी मेहनत को जिसको मैं आप लोगों को दे रहा हूं बड़ी क्लीननेस के साथ, अगर आप इसको भी नहीं भुना पाए तो ये बड़ी मतलब एक नाइंसाफी होगी जो आप खुद के साथ कर रहे हो, ठीक है? इसलिए टाइम कंस्ट्रेंट है जरूर मेरे पास, मेरे साथ है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को वो आता है तो आपको फेस टू फेस भी मैं इसको क्लियर कराने के लिए तैयार हूं। That's really very nice of you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Sir, please बस ये बता दीजिए थाई पर येलो कलर का टैटू बनवा दूं इसके? ओ नहीं मैडम, क्यों बेकार स्किन के साथ खेल रहे हो आप? आप कोई परमानेंट मार्कर ले लो येलो कलर का। हाँ परमानेंट मार्कर आते हैं, परमानेंट मार्कर लगवा दो। ठीक है सर। सर कैसा लगवाते हैं सर, उसका कलर जाता नहीं है काफी टाइम से। अच्छा हाँ केसर भी लगवा दो, सही बात है। सिंपल सिंपल सा फंडा ये है, कोई भी ऐसी चीज जो वहां पे स्टिक हो जाए थाई पर। सर केसर इसकी कैसे होगी सर, केसर तो हट जाएगी, धुल जाएगी। नहीं जाएगी मैडम। नहीं जाती मैडम, जो केसर जो वास्तव में केसर होता है बहुत गाढ़ा रंग होता है, मतलब बहुत प्रॉपर रंग होता है उसका। अच्छा ठीक है सर, केसर। चलो अब केसर की बात बहुत हो गई, विमल पान मसाला से आगे बढ़े। ठीक है चलो, अब आप लोगों को ये पता चल गया। हेलो हाँ जी सर, एक पूछ चार्ट में आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा है? नहीं सर। गुरजीत कर रहे सर अगली। हाँ गुरजीत जी कोई क्वेश्चन है?
कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो, हाँ जी गुरजीत जी। सर मैंने पूछना था कि जब पहले घर में कोई ग्रह बैठा हो प्लेनेट, ठीक है, सातवें में भी बैठा है, तो उसकी कंपाउंड डिग्री आपस में मेल नहीं खाती, तो जरूरी नहीं वो 180 का डिग्री का हेड करे? क्यों मारेंगे फिर जब मेल नहीं खाती तो? सर जैसे 165 आता है, 162 आता है, हाँ हाँ, इसमें कंसीडर होगा? नहीं तो 162 किसी में भी कंसीडर नहीं होगा भाई, वो अपना न्यूट्रल काम कर रहा है। वो न्यूट्रल काम कर रहा है, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो सभी प्लैनेट्स कहीं ना कहीं उस पे आ जाएंगे। आज सर मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। हाँ जी हाँ जी। मुझे अपना शहर वाला घर छोड़ना पड़ा और गांव वापस आना पड़ा, और मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की क्या ऐसा हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में। अच्छा क्या हुआ है एकदम? ना मेरी मदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनका फोन आया वो ठीक नहीं, हम अब शहर में शिफ्ट थे, तो हम अब शहर वाले को लॉक करके गांव वापस आ गए बच्चों को लेकर। अपना चार्ट बोल। 23 अगस्त। जी 1978 4 बजे 4 AM तो गांव कहाँ है आपका? सर तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, तरन तारण सिटी से 35 किलोमीटर। अच्छा, तो बच्चों की स्टडी भी खराब होगी और सबको छोड़कर वापस आना पड़ा लॉक करके। अच्छा एक बात बताओ कि मदर की वजह से थोड़े लोन्स वगैरह भी आए हैं क्या आप पे, कर्जे वगैरह? बहुत आए थे और अब कुछ उतर गए, बहुत आए थे, बहुत 9 ऑपरेट हुए मेरी मदर के। मंगल मंगल का पीरियड है, देन राहु। आपकी कुंडली में हिट तो जुपिटर को पड़ रहा है देखा जाए तो। एक्चुअली ना मेरे फादर नहीं मानते गांव छोड़ने को, उनकी जिद है कि मैं नहीं जाऊंगा इसलिए हम ही वापस आ गए, शहर नहीं जाऊंगा वो बोलते हैं, गांव छोड़ हम बोलते हैं हमारे साथ आ जाओ, वो बोलते नहीं जाएंगे, तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा। आप 9 सितंबर से पहले वापस आ जाओगे, और अगर नहीं आए जी तो समझ लेना कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। मैं चाहता हूं सर मेरा फादर माने कि वो मेरे साथ शहर जाए, मदर और फादर। मैंने आपको क्या डेट बोल दिया मैंने जी? 9 सितंबर को नीचे आपके चार्ट में यहाँ पे विमशोत्री दशा में प्रत्यंतर शुरू हो रहा है जी। अभी प्रत्यंतर कौन से प्लेनेट का चल रहा है फिलहाल? सर मरकरी नहीं, केतु का सर, मरकरी का है सर। सर ये डेट एंडिंग डेट है ना 16 जुलाई? ये बिगनिंग डेट है सर।
अच्छा ओके, ये वो नहीं है आपका वो जो होरोस्कोप की तरह। ओके, तो मर्करी। मर्करी घर को चेंज करने में कौन से हाउस का हाथ होता है? फोर्थ हाउस। घर को चेंज करने में सर थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन सा है? मरकरी का प्रत्यंतर चालू है और मरकरी ने 90 डिग्री का हिट फोर्थ हाउस पे मारा है। करेक्ट। ये सिर्फ प्रत्यंतर में एक्टिव है। प्रत्यंतर जो है वो क्या बोलते हैं, 9 सितंबर को खत्म हो जाएगा, 9 सितंबर को ही आ जाएंगे। और कोई ग्रह नहीं हिट कर रहा है भाई, मरकरी ही सबसे मतलब ज्यादा दिक्कत कर रहा है और मरकरी ही सेवंथ हाउस को भी हिट कर रहा है आपके। अच्छा, अब एक बात और बताइएगा, आपकी वाइफ को बोलने में किसी तरह की तकलीफ है या उनकी वाणी थोड़ी सी हार्श है? हार्श है, हार्श है। ठीक है सर, ज्यादातर उनका डायग्नोज नहीं होता, बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बता देता हूँ क्या करना है, कैसे है, वो सब छोड़िए। गीतांजलि जी, जी वाइफ का हाउस कौन सा होता है? सेवेंथ हाउस सर। स्पीच कौन से प्लेनेट की है? सेकेंड हाउस। स्पीच कौन से प्लेनेट की है? प्लेनेट स्पीच, हु इज द कार्क ऑफ स्पीच? मर्करी। मर्करी सर। मर्करी इज हिटिंग सेवेंथ हाउस, ठीक है। सर दिस यू हैव द डिग्रीज ऑफ द सेवेंथ हाउस ना, यू हैव द डिग्रीज ऑफ द हाउसेस। नहीं, इसमें मैं कस्ट पे जाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, कस्ट पे जाता हूँ, हाउस की डिग्री पता चलेगी। हाउस की डिग्री पता चलेगी, नहीं ये 9 डिग्री है, सॉरी 9 डिग्री है ये। हाँ ये इतना नहीं है, इतना नहीं मैच कर रहा, क्योंकि क्योंकि अगर 180 डिग्री पे आ जाता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, फिर ये थोड़ी सी और, फिर ये सीधे स्पीच डिफेक्ट ही देता सीधा। तो सर फिर ये जुपिटर की हिट लगेगी ना फिर? हाँ जुपिटर की हिट लगेगी सर, ये एक्सप्लेन कर लीजिए। ये जुपिटर की हिट जरूर लगेगी और अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन इनसे पूछूंगा और ये जवाब जो देंगे उसका लॉजिक आप लोगों ने ढूंढना है। गुरजीत जी एक बात बताइए, गुरजीत जी आपके फादर के कारण आपका और आपकी वाइफ के बीच में काफी झगड़े भी हुए हैं क्या? नहीं। फादर को लेकर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मतलब आपके जो फादर हैं वो कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स बने हैं आपके झगड़ों का? नहीं नहीं, वो कभी किसी में दखल ही नहीं देते, खेत में रहते हैं ज्यादातर। आपने कहा आप पापा की वजह से गांव जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो जी बोलते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आपने आना है तो आ जाओ बस, पर जी बात लेकर कभी वाइफ और हस्बैंड में नहीं कभी बात। आप ध्यान से सुनना, आपकी वाइफ गांव में जाने के लिए रेडी है बिल्कुल खुशी खुशी? नहीं सर, खुशी खुशी आने को तो कोई भी नहीं तैयार, बच्चे पढ़ते हैं शहर में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है सर बताओ सर। मैं हाँ सर, एक तो नाइन्थ हाउस फादर का है बिल्कुल, और जो सिक्स्थ हाउस जो है वो सेवंथ को निगेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और सर
आप एक्सप्लेन कीजिए सर, कोई और एक्सप्लेन करता है तो समझ में नहीं आ रहा है। मैडम सिक्स लॉर्ड जो होता है वो शादी के लिए कैसा है? सिक्स हाउस कैसा है मैरिज के लिए? इट इज गुड और बैड? बैड, इट्स नेगेटिंग द सेवेंथ हाउस। एब्सोल्युटली। इन दिस चार्ट हु इज द कारका ऑफ सिक्स हाउस? जुपिटर। जुपिटर इज द रूलर ऑफ सिक्स हाउस। ओके। इट इज making a hit of 180 degree to 7th house. अगर ये जुपिटर को empower करते हैं तो हिट किसको पड़ रही है? 7th house की degree क्या थी सर? 4 और 5 degree के आसपास था। ठीक है, फिर then I got it. Then Jupiter is hitting the 7th house at 180 degree. Okay. 180 degree, correct? Yes. तो सिक्स्थ हाउस जो है कुंडली का वो सेवेंथ हाउस को हिट कर रहा है। इट मींस के जुपिटेरियन थिंग्स, जितनी भी जुपिटेरियन चीजें हैं वो कारण बनेंगी इनके और इनकी वाइफ के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का। ठीक है। और कमाल की बात यह है कि वो समय बहुत नजदीक आ रहा है जिसकी मैंने बात की। आप लोगों को नीचे विमशोत्री दशा में दिख जाएगा। कब से? यस सर, 2020 16 फरवरी 2020 से बृहस्पति की अंतरदशा शुरू है और वाइफ जो है उसको प्रॉब्लम होगी। 180 डिग्री की हिट है किस प्लैनेट की? जुपिटर की। ऐसे समय में अगर गुरुजी जी को कोई रेमेडी ये दे दे कह के कि अपने घर में खूब पाठ कराओ, अपने घर में खूब धार्मिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके रखो, तो कैसा रहेगा? डाइवर्स हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सर। सर मेरे घर में तो पहले ही बहुत धार्मिक माहौल रहता है, बहुत ज्यादा। तो सर जी वही तो आपकी मतलब हालत को खराब किए हुए है, आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या करना चाहिए इसके लिए? जैसे वो हिट ना मारे। आप मैं बोलूंगा तो मेरा बोलना बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप नास्तिक हो जाइए, लेकिन बस अपने मन में प्रभु को रखिए कि हाँ प्रभु मन में है, लेकिन ये पाठ करना जप करना ये सब त्याग दीजिए थोड़े दिन के। ठीक है सर, यकीन मानिएगा आपके त्यागते ही आपको फर्क पड़ जाएगा। वाइफ मेरी एक्सेसिव धार्मिक है। आपकी वाइफ का एक्सेसिव धार्मिक होना ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अरे अरे मैं अगर आपके हाउस अगर आपके चार्ट से आपकी वाइफ का चार्ट बना दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कौन से हाउस को रोटेट करके चार्ट बनाऊं? फोर्थ हाउस। अरे वाइफ को मैडम, वाइफ को। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। अब मैं सेवेंथ हाउस को लगन बना दिया। अब फर्स्ट हाउस पे कौन सा प्लेनेट 180 डिग्री की हिट मार रहा है? जुपिटर। जुपिटर। अब ये वाइफ का चार्ट बन गया है और ये बोल रहे हैं वाइफ बहुत ज्यादा धार्मिक है। वो जितना ज्यादा धर्म कर्म में पड़ेंगी वो उतना ही ज्यादा वीक होती चली जाएंगी और उनके छोटे भाई बहनों को भी दिक्कत आएगी। हल्दी चूल भी रहेंगे। हाँ जी, हल्दी चूल भी रहेंगे।
हाँ बिल्कुल रहेंगे हेल्थ इश्यूज, मैंने कहा ना वीक होती चली जाएंगी, ट्वेल्थ लॉर्ड है भाई, ट्वेल्थ लॉर्ड है और छोटे भाई बहनों का थर्ड लॉर्ड भी बात है। तो या तो छोटे भाई बहनों के साथ बनेगी नहीं, या उनके साथ उनके उनकी लाइफ में भी बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। सर दिक्कतें हैं ऑलरेडी। वाइफ को बोलो जिस दिन धर्म कर्म छोड़ देंगी उनके भाई बहन भी ठीक हो जाएंगे। सर ये फर्स्ट हाउस पे हिट पड़ रही है, दैट मींस के वो खुद अपने आप को मतलब जिम्मेदार है। यस एब्सोल्युटली बिल्कुल। सर एक बात है, जब उनकी हेल्थ के बारे में बहुत मिस्टीरियस होता जाता है वाजपेयी, कोई डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाता। सर डायग्नोज तो ये हो गया अभी। सर आप अपने आप को बहुत लकी मानो कि आपकी वाइफ को ये जो हिट पड़ रही है ये जुपिटर की पड़ रही है। अगर ये शनि जैसे ग्रह की पड़ रही होती या मंगल जैसे की ग्रह की पड़ रही होती ना जी, तो फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में होते हैं डॉक्टर के वो सब चल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वाइफ को कोई समस्या ना रहे ना हेल्थ इश्यू रहे, आप दोनों से रिक्वेस्ट है आप दोनों लोग पूजा पाठ और वो ये सब चीजें छोड़ दीजिए प्लीज जी। बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जुपिटर का कलर भी येलो छोड़ दी। अरे ज्यादा पहनता ले भाई, अब और इससे ज्यादा मैं क्या करूं पता। और ज्यादा येलो है मेरी ड्रेसेस में, छोड़ देता हूं। गुरुजी जी एक बात समझना, आप सब लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूं, है तो बड़ी नॉर्मल सी लेकिन इस बात में रहस्य बहुत है। हम जब भी प्रॉब्लम में आते हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक करती है ये बात, और एस्ट्रोलॉजी के बिना भी लिंक करती है। हम जब भी प्रॉब्लम में आते हैं तो प्रॉब्लम के समय हमें अपने सिलेक्शंस का ध्यान करना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में हैं तो हम जिन चीजों को सेलेक्ट किए हुए हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर वो अनफेवरेबल है तो वो आपको चार्ट में एक सेकंड में दिख जाएगी। आपकी कुंडली में जुपिटर एज पर पराशरी ज्योतिष उच्च का होके बैठा हुआ, ठीक है। आपकी लाइफ में जो रुकावटें होंगी, जो लोगों से चैलेंजेस मिलेंगे, जो लोगों से एनिमिटी होगी, वो भी बड़े लेवल की होगी, उच्च की होगी। छोटी मोटी नहीं होगी। और पराशरी ज्योतिष का एक नियम है बड़ा अच्छा, आप लोगों ने जितनों ने किया होगा वो समझते भी होंगे। बृहस्पति को जीवा भी कहा गया और पराशरी का एक श्लोक है कि स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। बृहस्पति आपके लगन में बैठा है,
16 फरवरी 2020 को बृहस्पति की अंतरदशा शुरू हो रही है। अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहिएगा, आपको बोल रहा हूं। और पूजा पाठ अगर छोड़ देते हैं तो हेल्थ थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है सर, वाइफ के बारे में बता रहा हूँ, वो जैसे कुछ होते हैं ना, कोई कुछ कुछ ताकत आती है, ऐसे होता है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, के कोई आ जाता है जैसे बोलते हैं किसी में कुछ। मैं समझ गया आप जो बोल रहे, मैं सब समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। बस आपको यही बता रहा हूँ कि गुरुजी जी आपको आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगर आप इसको मान लेते हो तो जीवन सुधर जाएगा। इसको नहीं मानोगे तो दुनिया में एक नहीं 1000 एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाना, आपका समाधान नहीं होगा। कोई उपाय मत करो, सिर्फ एक उपाय करो कि आज से पूजा पाठ वगैरह सब बंद कर दो, एक महीने बाद बता देना मेरे को क्या कंडीशन, गारंटी देता हूं। ये मुझे सर किसी ने खराज पहना दिया, मैंने फिर उतार दिया, बहुत खराब किया उसने। किसने पहना दिया पुखराज? किसी एस्ट्रोलॉजी ने बोला पुखराज पहन, और पहन लिया, पर वो ना फिर बहुत कंडीशन बुरी हुई और मैंने अपने आप उतार दिया। अरे भैया, जुपिटर को अगर आप जरा भी पावर करोगे तो ये कबाड़ा कर देगा। सर गोल्ड भी नहीं पहन सकते? नहीं। जुपिटर से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सब दिक्कत करेंगी। चने की दाल भी ज्यादा खाओगे ना तो भी वाइफ की तबीयत खराब हो जाएगी। और 2020 में बचने का यही उपाय है गुरु मंत्र। अरे एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी कुछ नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी में होता है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से मोड़ देना है ताकि आप बचाव कर लें। वो तो मेरी कोशिश है, मेरी तो जो ट्रेजेडी है, मेरी मदर उससे भी ज्यादा धार्मिक है, वही तो है ही है, मदर 10 कदम और आगे। बस तो ठीक है जी, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मानूंगा आपकी बात। ठीक है, चलिए, आप लोगों को समझ में आया इस चार्ट का लॉजिक? हाँ सर, समझ में जी। ठीक है, तो आप लोग अब इस सब से जुड़े हुए प्रश्न बारी बारी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ हिट थ्योरी की रेमेडी को कैसे बॉडी पे अप्लाई करना है, कैसे घर में एस्ट्रो वास्तु में उसको अप्लाई करना है, उस पर होगी। उससे नेक्स्ट जो क्लास होगी हिट थ्योरी को प्रश्न कुंडली में और प्रश्न कुंडली को एस्ट्रो वास्तु में कैसे अप्लाई करना है उस पे होगी। अब आप पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी सर, एक मेरा क्वेश्चन, भाव चलित कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में चला जाता है, उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या सर? नारायण भाव चलित कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में चला जाता है, 12th में चला जाता है। हाँ जी, 12th में शो होता है। देखो जी, ऐसा है कि आप जब हिट थ्योरी करेंगे ना गुरजीत जी, तो ना आप ये बोलेंगे कि मैं बर्थ चार्ट पे काम कर रहा हूं, ना आप बोलेंगे कि मैं नारायण भाव चलित पे काम कर रहा हूं। ठीक सर। आप सिंपली प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट कौन से प्लेनेट के साथ पॉजिटिव है, कौन से प्लेनेट के साथ नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज वो कर रहा है। नहीं सर, मैं बोलता हूँ जब 12 में चल जाएगा तो फिर तो वो हिट नहीं करेगा 7th। हाँ जी, फिर तो वो 7 को हिट नहीं ना करेगा, 12 में जाता है तो नारायण भाव चलित। मैं वही कह रहा हूँ गुरजीत जी, आप फिर उसको गलत ले रहे हैं, वो हिट क्यों नहीं करेगा, वो राशि में तो वहीं पे ही है ना। ठीक 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 सर, अंडरस्टैंड, वो राशि में तो वहीं पे ही है ना, वो भाव ही तो मूव, भाव के अंदर ही तो मूव हुआ है वो। ठीक सर। और सर डिग्री वाइज तो 180 डिग्री लगेगा ना। हाँ,
और आपको एक बात और बता दूं गुरजीत जी, मुझे पता है आपका ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत अच्छा ध्यान लगा लेते हैं आप, लेकिन वो ध्यान लगाना भी छोड़ दीजिए। ठीक है सर। सर कोई अच्छी अच्छी हिट भी है कुंडली में? अरे अभी बात क्या बोली थी आपको, आप पूछ रहे हो कि अच्छी हिट है कि नहीं, अभी क्या वर्ड यूज किए थे मैंने? शनि चंद्र सैटर्न एंड मून, मून की 120 डिग्री। अरे चंद्रमा सीधा सीधा 120 डिग्री का सपोर्ट कर रहा है शनि को, जो सेवंथ लॉर्ड है और एट्थ लॉर्ड है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को ही नहीं, अपने इन लॉज को, अपने ससुराल को भी सपोर्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको सपोर्ट करने वाला आदमी है सर, सारे घर में ब्रदर को। ये अननोन पर्सन होगा तो भी वो सपोर्ट करता होगा सर। ये मैं समझ गई कि यू नो आपने कैसे बोला कि शनि का इट इज बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ सेवन एंड एट, बट 120 का हिट कैसे पड़ा एक बार वो जस्ट एक्सप्लेन दैट सर। मैडम चंद्रमा और शनि के बीच में डिफरेंस देखिए कितनी राशियों का है, कैलकुलेट करिए कि कितना कितने पे पहुंचा वो 120 डिग्री पे। या ओके 120 इट इज 5 डिग्री एंड 9 डिग्री। ओके 120 सर, फाइन। क्लियर क्लियर क्लियर। अब नाउ आई एम पिकिंग अप, जैसे आपने फास्ट बोला ना, नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मून इज हिटिंग सैटर्न एट 120 एंड सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ सेवेंथ एंड एट्थ, दैट्स व्हाई यू सपोर्ट योर वाइफ एंड योर इन-लॉज। गॉट इट। ये व्यक्ति अपने फैमिली को, अपने इन-लॉज को, दोनों को सपोर्ट पूरे दिल से करता है, पूरे मन से करता है, पूरे मन के साथ। ठीक है सर, 120 का सन को भी होगा हिट मून को? अरे 100% भाई, सन को तो सैटर्न से भी ज्यादा है। एकदम नियरेस्ट है। कैसे उनको बोला था सन की रोशनी में फॉरेस्ट जाने में, कोई ऐसा है? चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। ऐसा है, बहुत बाद में मिले हो और बहुत समय भी चला गया जो बढ़िया था, नहीं तो पहले मिले होते तो बोल देता कि सारी चीजें छोड़ छाड़ के कि कोई लस्सी वस्सी की दुकान कर लो। जी। लस्सी जी। समझना लस्सी क्यों बोल रहा हूँ, आप ठीक बोल रहे हो आप। वाइट इज मून, चंद्रमा इज लिक्विड, लिक्विड एंड वाइट, लिक्विड एंड वाइट, और वो सेकंड लॉर्ड को वो बना रहा है 120 डिग्री का। बराबर सर, पैसा वो आता था तो चंद्रमा की चीजों से आपको 100% लाभ होगा। बट मून रेस्टोरेंट भी दिखाता सर। हाँ, मून रेस्टोरेंट भी दिखाता सर, खाना पीने की सर। हाँ मैं, वो ठीक है आपकी बात, मून दिखाता है, लेकिन मैंने वहां पर क्यों लिया, क्योंकि मून जो है वो लिक्विडिफाई फॉर्म है ना, इसलिए पकड़ लिया उसको। सर ये इवन मेडिकल स्टोर खोलता तो भी अच्छा रहता रिटेल। 1000% है ना सर? 1000% करेक्ट सर। अब भी खोल सकते हैं। क्यों क्यों मेडिकल, एक सेकंड, मेडिकल कैसे आया? चंद्रमा इज मेडिसिन मैडम। Medicine. अच्छा, चंद्रमा is medicines also. Yes. So I thought सूर्य is medicine sir. नहीं, चंद्रमा is medicine. सर अभी भी खोल सकती। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, आप 100% चलेगा। 100% बोल रहा हूँ। कमाएंगे आप पैसा, खूब कमाएंगे। मेडिकल की दुकान में लस्सी चला रहा, लस्सी की दुकान भी सर। फिर उसके बाद तो जो कुछ भी रखो सब चले। एक तरह दवाई देते रहो, एक तरह बोलो लस्सी के साथ देनी है वाली। सर जैसे अभी मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ प्रोफेशन,
तो उसको नहीं सपोर्ट करता है एडवोकेट गुरजीत जी? देखो आपका आपका जो प्लेनेट है क्या बोलते हैं टेंथ लॉर्ड जो है आपका वो टेंथ लॉर्ड है आपका मार्स ठीक है और मार्स को जो मेरे ख्याल सपोर्ट मिल रही है वो किसी प्लेनेट से सपोर्ट तो नहीं मिल रही है ना ही हिट मिल रही है लेकिन मार्स कंजंक्शन में है वीनस के जो फोर्थ लॉर्ड है और इलेवेंथ लॉर्ड है आपको तो प्रॉपर्टी का काम हो गया या फिर कोई वैसे व्हीकल वगैरह का या फिर अपना ये खाने पीने का धंधा इसमें आप चलते तो बहुत बढ़िया था आप कहां मतलब ये सब ये एडवोकेसी और इसमें काम होगा वैसे सक्सेस मिलती नहीं एडवोकेसी भी इस टाइम अरे तो इसलिए नहीं मिली ना भाई कि आप काम ही वो कर रहे हो जो कुछ देना ही नहीं है जिसने आपको प्रॉपर्टी मेडिसिन लस्सी आपका रियल एस्टेट कर लो आप लोगों को अगर आप लोग इस पे काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे तो आप लोगों को आज मैंने एस्ट्रोलॉजी की संजीवनी दी है समझिएगा बिल्कुल सर संजीवनी है ये मृत चार्ट को जीवित कर सकते हो आप इसको टेक्निकली यूज करके पर सर इस पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर कई चार्ट्स पे लगा के देखेंगे तब आ पाएगा ढंग से मैडम मैं 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करता हूँ फिर आपको ये परोसता हूँ तो आप पूछ रहे हो मेहनत करनी पड़ेगी सर आप तो आप हैं सर आपसे कैसे कंपैरिजन कर लेंगे एस्ट्रोलॉजी में मेहनत नहीं होता शब्द मेहनत तो बहुत छोटी चीज है एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए वो छोड़ दो ये तो आपका सब कुछ मांगती है ये विद्या बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मांगती है ये विद्या और फिर जब देने पे आती है तो इतना देती है कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि मुंह से बोल क्या रहे हो और सामने वाला हाँ कहां से कर रहा है सर पहले दिन सर, मैंने क्वेश्चन किया सर, था गुरजीत जी आपकी बहन है हाँ है सर बड़ी बहन है तो वो पहाड़ों में रही है या पहाड़ों में उसकी शादी हुई है नहीं नहीं पहाड़ों में उनके बच्चे पढ़ते रहे दलोज जी सर ये कहा जरा बच्चे पढ़ते अभी आपको क्या बोला था मैंने कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप घुस जाते हो तो कहां से निकलता है नहीं पता चल वो बात है लेकिन ये जरा थोड़ा समझ में एक बार आ जाए ना कि ये पहाड़ वाली चीज कहां से आई तो पता चल जाता है एक्चुअली क्या है मेरे राहु को जुपिटर और सन जो है वो 10 नंबर से 120 डिग्री का हिट बना रहे हैं 10 नंबर राशि से अच्छा मेरे को जब भी कोई इंट्यूटिवनेस जनरेट करनी होती है तो मैं अपने नीज पर सन लिख लेता हूँ या इंटरनली फील करता हूँ कि मेरे नीज पे सन है क्योंकि 5 डिग्री का है हाँ 120 डिग्री का रिलेशन है तो उसी टाइम पे कोई ना कोई ऐसी चीज निकल आती है सामने वाला यार ये क्या हो सर मैंने आपसे पहले दिन एक क्वेश्चन किया था हायर जुडिशरी के बारे में जी उसको तो नहीं उसकी कोई है बनती देखो सर आप निकाल भी अगर लोगे ना गुरजी जी आप बात को समझो आपने हायर जुडिशरी निकाल भी दी तो भी इस धंधे ने आपको कभी लास्ट में देना कुछ नहीं ये बता रहा हूं मैं आपको आप समझ जाओ मेरी बात आप हो नहीं इस चार्ट के मतलब इस काम के लिए नहीं बने हो जो आप कर रहे हो इससे बढ़िया तो आप यही काम कर लोगे ना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो भी बहुत पैसा आ जाएगा आपके पास इंट्यूटिवनेस तो इनकी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए इंट्यूटिव पावर्स हाँ हाँ 100% अरे चलो आज आपको आप लोगों को एक ज्ञान देता हूँ सर मैंने उसका वो करा दिया बेटी का अपनी का भी बस ठीक है एक बार सर भी सुन लो प्लीज सर लेकिन भारत मैट्रिमोनियल में कर रखा था उसका अरे मैडम
आपको आपको पूरी पूरी लाइन बोली थी मैंने सर, क्या चुपचाप चुपचाप सीक्रेटली बगैर किसी के संज्ञान में आए कर दीजिएगा, बोली थी कि नहीं सर? वो तो हस्बैंड को बोलना ही पड़ेगा करने के लिए सर, तो आप सबने सबको भी बोल दिया ना। चलो कुछ बता रहे थे सर, आप कुछ ज्ञान की बात कर रहे थे। एक चीज जीवन में याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का राहु तीसरे घर में हो, केतु नौवे घर में हो, वो व्यक्ति संसार के उन व्यक्तियों की प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकता है जिनकी प्रॉब्लम आज तक कोई दूर ना कर पाया। इनको परमात्मा ने शफा दी होती। गुरजीत जी ने अगर गलती से इस ग्रुप में किसी को भी बोल दिया मन से, मेरे को भी, कि कल्याण हो, तो उसका कल्याण समझो परमात्मा ने कर दिया। ये बात गुरजीत जी भी नहीं जानते। सर ये आप लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं सर डाउट था इसलिए मैं सोचा कंफर्म करूं। बिकॉज ऑफ थर्ड हाउस इन राहु, इसलिए बिकॉज ऑफ केतु इन नाइन्थ हाउस। केतु इन नाइन्थ हाउस, ओके। केतु इन रुके, इट्स अ ब्लेसिंग। केतु इन नाइन्थ मतलब वो जो बोलेगा वही मतलब हो जाएगा ऐसा। वो आपको मिट्टी उठा के दे देगा कि जा ले जा, तो भी काम हो जाएगा 100%। मैं गारंटी देता हूँ। एस्ट्रो में जा सकता हूँ सर? मैंने यहाँ पे पटकथा पूरी पढ़ दी, मैंने पूरी रामायण खत्म कर दी, आप पूछ रहे हो क्या बात पूछ रहे हो? ठीक है सर, आप मेरी कंपनी में मेरी जगह कंसल्टेंसी दे दो और बताओ मैं इससे ज्यादा क्या करूं आपके लिए। इसमें साइन कोई भी हो वो मैटर नहीं करता सर, कोई भी साइन हो। अच्छा, कोई भी साइन हो, अगर वो जुपिटेरियन साइन है फिर तो आप सोच भी नहीं सकते हो। मजे बेस्ट है, केतु ट्वेल्थ हाउस में भी तो अच्छा मानते हैं। ट्वेल्थ हाउस में मैडम योगिक क्रियाओं के लिए अच्छा, योग में जाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। केतु नाइन्थ हाउस में उपाय वाले के लिए बढ़िया है। आपने कुछ लोग देखे होंगे गांव देहात में, कुछ लोग होते हैं कि अरे यार उस बंदे के पास चला जा, वो कुछ थापे देता है, वो ऐसे कमर पे हाथ मारता है और उसको लड़का हो जाता है, लड़की हो जाती है, फलाना फलाना उसके बच्चे हो जाते हैं, टाइप्स होता है ना। वो यही लोग होते हैं नाइन्थ में केतु वाले। नाइन्थ में केतु असल में क्या होता है, वैसे तो मैं आप सब लोगों के साथ में हूं, लेकिन जब तक आप लोगों के साथ में हूं तब तक जितना फायदा उठा सके उठा लीजिएगा सर। अभी अभी तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, और रहने वाले, और फायदा उठाकर सबसे पहले अपनी कुंडली में आप किस चीज के लिए बने हो वो तलाशिएगा। सिंपल, आदमी ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज है और एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ उपाय लेने में गवा देता है। बस उपाय उपाय कर लूं, अरे यार इससे बड़ा उपाय क्या मिलेगा। विश्वेश को पता चल गया कि धूप में जाते ही या जंगल में जाते ही मेरे काम हो जाएंगे, और फिर भी वो भाग रहा है किसी से उपाय लेने की। अच्छा आपको बृहस्पतिवार के दिन सुबह के 12 बजे पीपल के 10 चक्कर लगाकर फिर एक नदी में जाकर 5 नारियल जल प्रवाह करने, कुछ नहीं होगा। सर उपाय बारे पूछना था, मुझे किसी ने दो उपाय बताए, मुझे करने चाहिए या नहीं? और सर आप सारे उपाय छोड़ दो,
आप कंसल्टेंसी शुरू कर दो, आप क्या बोलते हैं पूजा पाठ बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ आपको कोई उपाय की जरूरत अगर लाइफ में पड़ जाए तो आप मेरे को बोल देना। सर कंसल्टेंसी कोई भी किसी भी तरह, अरे कुछ भी बोलना शुरू कर दो, कोई भी उपाय देना शुरू कर दो भाई। आप सबको बोलो, आप सबको बोलो ये करो वो करो, आपको पैसा मिलेगा। अपने पैर मत छूने देना ज्यादा लोगों को, ठीक सर। और घर पे, अपने घर पे गलती से भी बनियान में मत रहना, अपना जो अपर पार्ट होता है चेस्ट का वो मत दिखाना गलती से। नहीं मैं कभी रहता ही नहीं बनियान में। अच्छी बात है लेकिन बता रहा हूँ थोड़ा मतलब आपके उसके लिए। अच्छी खासी कुंडली है यार, इसको यूज नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा होगा। एक्चुअली किस्मत ने आपसे मिलाया, मैं तो बहुत भागे जिंदगी में। आप सिर्फ तो चक्कर कटाए, उपाय कुछ नहीं होते, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपनी कुंडली का पोटेंशियल को समझिए कि कुंडली का पोटेंशियल क्या है। और वो अच्छा एक चीज और बताइए गुरजीत जी, आपकी अपने मामा से नहीं बनती क्या? मामे नहीं है कोई भी, दो थे एक्सपायर हो गए। ओहो करेक्ट, ठीक है सही है। सर कैसे बता रहे हैं? सिक्स्थ हाउस बराबर 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 एकदम बैंग ऑन सर, ठीक एकदम बैंग ऑन। मुझे तो ये सब मजा आता है, बहुत मजा आता है। कोई बात सर आप बता भी दीजिए सिक्स्थ हाउस क्या। मैडम सिक्स्थ हाउस आर योर मैटरनल अंकल्स। ओके, हियर इन दिस, हियर इन दिस कुंडली सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, करेक्ट, एंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज मून, करेक्ट। Moon is creating an aspect of 90 degree to Jupiter, which is sixth house moon. Sixth house. तो व्यक्ति की अपने मामाओं से नहीं बने। Sir, you saw the degree that I got it कि fourth और sixth house, first house lord is moon and sixth house lord is Jupiter. Now you saw the degree difference from moon and Jupiter, right? हाँ जी दैट इज फादर के साथ भी नहीं बनेगी सर 90, यस 90, ओके। हाँ फादर के साथ भी नहीं बनेगी सर। हाँ कुछ मानसिक मतलब मानसिक सा तनाव रहता है फिर। हाँ जी बिल्कुल रहता है। सर फिर सर्विस में भी प्रॉब्लम करेगा ना सिक्स हाउस। हाँ जी फिर सर्विस में भी प्रॉब्लम करेगा, सर्विस देने में। चलो आपके मुंह से ही पूछवाता हूँ, वकील कौन से हाउस से बनता है बंदा? एडवोकेट कौन सा हाउस है? कोर्ट केस कौन सा हाउस? सिक्स हाउस। अरे जब आप खुद ही अपने छठे हाउस के लॉर्ड को हिट मार रहे हो तो कहां से एडवोकेसी कर लोगे यार। काफी मेहनत करने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है। छोड़ दो ने अरे छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा गुरजीत जी, कुछ नहीं होगा। आपकी कुंडली कुछ और है, आप कर कुछ और रहे, फर्क सिर्फ इतना है। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में कमाई नहीं है। सर फिर मेडिसिन बिल्कुल करो 100%। अरे आपको मैंने क्या बोला, मैं पूरे ग्रुप के सामने एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आप एक ब्लैंक चेक मेरे से साइन करवा लेना, ठीक है? बाकी चेक बाउंसिंग का केस मत करना और ब्लैंक चेक साइन करके, और वैसे भी आपकी कुंडली देख के मैं इतना श्वस्त हूं कि आपको मैं ब्लैंक चेक दे सकता हूं, मेरे को समझ में आता है कुंडली देख के व्यक्ति, और मैं आपके पास रख देता हूं उसको, और आप मेडिकल स्टोर खोलो, अगर चल गया
तो जो अमाउंट मैं बोलूं उस पे वो साइन करके मेरे को दे दे, और अगर नहीं चला तो जो आप बोलोगे अमाउंट वो मैं साइन करके आपको दे दूंगा, और बताओ इससे बड़ी शर्त लगाओगे? और मैं एक बात बताऊं, पिछले 3-4 महीने से मेरे माइंड में यही आ रहा है कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूं। कर दो गुरजीत सिंह, आप कर दो, आप फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट कोई हायर करो और कर दो। जैसे मंगल की दशा शुरू हुई मेरे बार बार माइंड में चलता है कि मेडिसिन 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 यही चली जाता चलेगा बस। बिल्कुल करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1% की। सर अगली बार मेरा हॉरोस्कोप नहीं हॉरोस्कोप लगा के दे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितने भी हॉरोस्कोप में भूत प्रेत होंगे सब निकाल देंगे। सर सर नेक्स्ट टाइम मेरा भी लगा लीजिएगा सर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब एक गीतांजलि जी का और एक आपका, आप दोनों के हॉरोस्कोप लग जाएंगे। सर मेरा नहीं, आई वांट मेरे हस्बैंड, हेल्थ इश्यू से ज्यादा परेशान हूं। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें वही वाला रूल होना चाहिए कि एक बार जिसका लग गया उसको दोबारा नहीं लगेगा सर, प्लीज। हां बिल्कुल होना चाहिए, बराबर सर, 100%। अरे गुरजीत सिंह आपको मेल मिला मेरा? सर नहीं मिला। क्या बात करते हो, मैंने उसी टाइम पे कर दिया था। नहीं अभी भी मेरे हाथ में ही है। सर प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, चले जी प्लीज। क्या इट्स अ रिक्वेस्ट, डेकोरम ऑफ द क्लास प्लीज मेंटेन इट यार। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दिया है, आप लोगों ने अब करना क्या है, हॉरोस्कोप उठाने हैं 10 या 12, और वो देखकर उनके अंदर सारी चीजें करके, और फिर छ सात छ चार 11। अरे गुरजीत जी छोटा भाई बहन है? छोटा भाई है, छोटा भाई है। छोटे भाई ने यारों दोस्तों की वजह से काफी लॉस वॉस खाए हैं क्या? कहने का भाव है कहीं सेट नहीं, वो बस यही इधर चले गया उधर चले गया। अच्छा, मगर जितना साथ में रहेंगे सर उतना उसको प्रॉब्लम रहेगी सर, कोई काम हो काम हो काम हो तो काम मिलता नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बात सही है जो आप बोल रहे हो, उनको जितना दूर रहेंगे उसको उतना फायदा हो सकता है। बिल्कुल, हेलो हेलो। हाँ जी राजीव जी। हाँ राहुल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने विश्वेश का चार्ट लगाया था ठीक है, और उनके 12th हाउस में सन था ठीक है, यहाँ तो हम हीट एस्पेक्ट देख रहे हैं, थियरी कर रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि 12th हाउस का जो एट्रीब्यूट है क्या वो विश्वेश को लगेगा जो 12th हाउस में सन बैठा है? यहाँ पे क्या है? हाँ देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास जो आप लोगों की ली थी, आप लोगों को ध्यान होगा, हाउस यूटिलाइजेशन की बात की थी हम लोगों, हाउस यूटिलाइजेशन की, कि अगर आपका 8th हाउस अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप 8th हाउस के कार्य करना शुरू कर दीजिए, आपको 8th हाउस प्रॉब्लम नहीं देगा, समझ रहे जी? आपने पूछा 12th हाउस में सन है जी। देखो सबसे पहले अपना माइंडसेट ये कर लो, एक एस्ट्रोलॉजर का माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि नो हाउस इन एनी हॉरोस्कोप इज गुड एंड नो हाउस इन एनी हॉरोस्कोप इज बैड, ना ही कोई हाउस अच्छा है ना ही कोई हाउस बुरा है, आपने उस हाउस को किस तरीके से यूज में लेके आना है। विश्वेश के चार्ट में जी सूर्य 12th हाउस में बैठा था जी, 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज आइसोलेशन, करेक्ट, और 4th हाउस के अंदर उसके जो प्लैनेट्स बैठे थे उनको वो एस्पेक्ट दे रहे थे 120 डिग्री का वो सन, करेक्ट,
तो विश्वेश का सनलाइट में जाने का मतलब ये नहीं है कि ये इसने चार पांच लोगों को पकड़ा और फिर सनलाइट में गया तब काम होगा, नहीं। चुपचाप अकेले में जाके भी अगर सनलाइट में खड़ा हो जाएगा तो इसका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके चुपचाप अकेले में जाके किसी जंगल में चला जाएगा, अकेले घूम के आ जाएगा, चलो यार अकेले चलते हैं घूम के आते हैं, तो इसको वो चीजें फर्क डालेंगी। यहां पर अकेले की बात क्यों हो रही है, बिकॉज सन जो है वो ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन। ओके सिंपल। ओके सर ठीक है सर, भी अनजान जगह भी कह सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी अननोन।